अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस उर्दू के एडमिशन के सिलसिले में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अहम बातें जो डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे चार सदा में ऐसा कौन सा इदारा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने बीएस उर्दू में अपने एडमिशन जोन से हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं, और सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे बीएस उर्दू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तीसरे नंबर में बात करेंगे बीएस उर्दू का दौरा नियम, और फोर्थ नंबर पर बात की जाएगी बीएस उर्दू का जो मेरिट है वो क्या है, फिफ्थ नंबर पर के फी पैकेजेस पे बात करेंगे, सिक्स नंबर पे हम बीएस उर्दू का एम्प्लॉयमेंट एरिया देखेंगे। मींस अगर आप बीएस उर्दू कर लेते हैं उसके बाद आपके पास कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब ऑफर होती हैं, और उसके बाद हम इसके सैलरी पैकेजेस पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बाचा खान यूनिवर्सिटी चार सदा ये एक गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसने बीएस उर्दू के एडमिशन जोन से हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट जोन सी है वो डियर स्टूडेंट्स 10 अक्टूबर 2023 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और सेकेंड नंबर पर हम अगर दूसरा बीएस उर्दू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना जरूरी है, मींस आपकी 12 क्लासेस होना जरूरी है। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफआईटी है, या अगर आपका ए लेवल है तो आप बीएस उर्दू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस उर्दू के दौरानिया की बात करें तो यह 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है, मींस आपके 8 सेमेस्टर होते हैं तो आपकी जो तालीम है 16 ईयर एजुकेशन आपकी उर्दू सब्जेक्ट में, मीन्स आप मास्टर डिग्री होल्डर हो जाते हैं उर्दू में। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी तीसरे नंबर पे बात करें दौरानिए के बाद इसके मेरिट की बात करें तो जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मेरिट स्टूडेंट की इंट्री को मद्देनजर रखते हुए होता है, मीन्स स्टूडेंट अगर तादाद में ज़्यादा इन हो गए हैं उनका स्कोर ज़्यादा है तो जारी सी बात है मेरिट ज़्यादा रहेगा। अगर बाचा खान यूनिवर्सिटी चार सदा के मैं अगर आपको मेरिट की बात करूँ तो इनमें जो बीएस उर्दू का मेरिट है सबका मेरिट को मद्देनजर रखते हुए 70% से लेके 80% प्लस इनका मॉर्निंग का जो मेरिट है इसके लगभग ठहरता होता है। तो अब अगर स्टूडेंट से अब की बार जो नंबर है वो पिछले साल की नस्बत जोन से वो कम आए, मे भी अब की बार जो इनका मेरिट है वो कम रहे, और जो इवनिंग की अगर बात की जाए तो 60-70-80% तक उसका मेरिट भी जोन से है, 70% तक इवनिंग का मेरिट बी एस उर्दू का रहता है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पर डी एस स्टूडेंट्स, अगर इसके फी पैकेजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है तो बाचा खान यूनिवर्सिटी में जो मॉर्निंग का फ़ी पैकेज होगा वो तकरीबन 40,000 से लेके 60,000 तक पर सेमेस्टर है, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और अगर इवनिंग की बात की जाए तो इवनिंग में इनका पैकेज 50,000 से लेके 55-60 के लगभग इवनिंग में इनका फ़ी पैकेज जोन से वो रहता है। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की। बीएस उर्दू कर लेने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। स्कूल में आप बीएंगा उर्दू टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप किसी कॉलेज में उर्दू लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में मूव करने के लिए स्टूडेंट्स आपका एमएस एमफिल या पीएचडी होना ज़रूरी है, फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पहला तो आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है। दूसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रिकल मीडिया, प्रिंट मीडिया आ जाता है जिसमें आपको जॉब्स ऑफर होती हैं, मीन्स कल को आप न्यूज़कास्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। फिर आपके पास प्रिंट मीडिया आ जाता है, प्रिंट मीडिया के अंदर मतलब ये अखबार है, मैगजीन है, कॉलम वगैरह है, इनमें आपको काम करने का जॉन्स है वो मौका मिल जाता है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये पब्लिकेशन हाउसेज जितने होती हैं उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, ठीक है ना, जहाँ मुख्तलफ आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड जो किताबें हैं वो प्रिंट और होती हैं वहाँ प्रूफ रीडर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। ये मेजर एरिया आ जाता है, मीन एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास प्रिंट मीडिया आ जाता है, इलेक्ट्रिकल मीडिया आ जाता है, और उसके बाद आपके पास जौन से है वो पब्लिकेशन हाउसेज आ जाते हैं। ये मेजर आपके पास चार एरियाज जौन से हैं वो बीएस उर्दू के बाद आ जाते हैं जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए होगा। प्राइवेट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज है वो आपकी हिम्मत है, आपकी एफर्ट है। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो देखा जाएगा आपके सब्जेक्ट पर कितनी ग्रिप है, ठीक है, तो वो देखा जाएगा। और उसके बाद आप किसी मीडिया के अंदर जाते हैं, प्रिंट मीडिया में जाते हैं या इलेक्ट्रिकल मीडिया में जाते हैं आप, ठीक है, तो उसमें भी मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, आप किस हद तक काम करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप किसी पब्लिकेशन हाउसेज में जाते हैं उसमें डियर स्टूडेंट्स आपकी महारत देखी जाएगी, आपके अपने सब्जेक्ट पे कितनी ग्रिप है। उर्दू सब्जेक्ट में मूव करने के लिए अगर आपकी आपके सब्जेक्ट पे ग्रिप है तो स्टूडेंट्स आप आगे मूव कर सकते हैं, अदरवाइज जोन से वो आप इस स्टफ में पीछे रह जाएंगे। और उसके बाद अगर आपने ADA किया हुआ है या BA किया हुआ है, आपको BS उर्दू के 5वें सेमेस्टर में भी बाचा खान यूनिवर्सिटी चार सदा में एडमिशन मिल जाएगा। आप इसके
पाँचवें सेमेस्टर से भी ऑनवर्ड जो सा कैरी कर सकते हैं। मीन पाँचवें सेमेस्टर के बाद आपके चार सेमेस्टर और होंगे, आपकी मास्टर डिग्री जो सी है वो डीएस स्टूडेंट से कंप्लीट हो जाएगी। आपने चाहे इससे पहले एनुअल सिस्टम में पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको फिर भी सेमेस्टर सिस्टम में पाँचवें सेमेस्टर में एडमिशन जो सा वो मिल जाएगा। सो ये हमारी आज की वीडियो बादशाह खान यूनिवर्सिटी चार सदा में ऑफर होने वाला जो बीएस उर्दू डिग्री प्रोग्राम है उसके बारे में हमने बात की, एडमिशन के बारे में बात की, उसकी डेडलाइन पे बात की और बीएस उर्दू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका दौरानिया, मेरिट, फी पैकेजेस, एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेजेस वगैरह पे हमने बात की। डीएस बादशाह खान यूनिवर्सिटी का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद चंद अहम वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो सी गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।